हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे कमाल शॉर्टकट्स जो आपके कोडिंग एक्सपीरियंस को एंड्रॉइड स्टूडियो में और भी बेहतरीन कर सकते हैं और इजी कर सकते हैं, और इन शॉर्टकट्स को यूज़ करके आप अपना जो कोडिंग स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं। अब शॉर्टकट का मतलब ही क्या होता है कि जब आप एक तरीके को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जब चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन में ला रहे हैं, तो आप एक लॉन्ग वे यूज़ कर रहे हैं, और अगर मैं उसी चीज़ को करने का अगर एक शॉर्टकट निकालूँ जिससे कि मेरा उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो टाइम बचेगा ही बचेगा, और आने वाले समय में जितनी बार भी मैं उस चीज़ को एग्जीक्यूट करूंगा तब मेरा वो टाइम भी बचने वाला है। तो उन्हीं को हम शॉर्टकट्स कहते हैं, और हर आईडी के अंदर आपको ऐसे शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं। तो वो कौन से शॉर्टकट्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपना जो डे टू डे एक्सपीरियंस है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर और बेहतर कर सकते हैं और स्मार्ट कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं, तो इन सारे शॉर्टकट्स को देखने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो हमारा सबसे पहला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ई। जैसे कि आप कंट्रोल प्लस ई दबाते हैं तो आपका ये रिसेंट फाइल्स वाला जो टैब है वो ओपन हो जाएगा, यानी रिसेंट फाइल्स वाला जो डायलॉग है वो ओपन हो जाएगा। इससे आप जो भी रिसेंट फाइल्स हैं जिनमें आपने अभी तक काम किया है वो सब आपको यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में मिल जाएगी, आप कहीं पे भी नेविगेट कर सकते हैं। अब इसका यूज़ क्या है, यूज़ ये है कि मेरे को कई बार ना, मैं किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर फाइल में काम कर रहा हूँ, और मेरे को किसी एक सर्टेन फाइल में स्विच करना होता है डायरेक्टली। अब मैं उस फाइल में जाऊँगा, जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्मल कि मेरे को किसी फाइल के अंदर जाना है, जैसे कि अगर ओपन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और जो भी रिसेंट फाइल्स हैं वो आपकी यहाँ पड़ी है, अगर मेरे को मेन एक्टिविटी में जाना है तो मेरे को यहाँ पे इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना पड़ेगा, फिर इस पैकेज के अंदर जाना पड़ेगा, और इस पर जब डबल टैप करूँगा तो मैं इस एक्टिविटी में आऊँगा या फिर इस फाइल के अंदर आऊँगा। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ई। जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास में सारी वो फाइल्स की लिस्ट आ चुकी है जिन पे मैंने अभी रिसेंटली वर्क किया है, ठीक है। अब मैं टैब के साथ में इनमें स्विच भी कर सकता हूँ कि भाई अगर मेरे पास में कोई प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स में से भी कोई फाइल है तो वो भी मैं देख सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को रिसेंट फाइल्स में जाना है तो यहाँ पे मैं नेविगेट कर सकता हूँ अप डाउन एरो के साथ में, और जो भी फाइल में मेरे को जाना है, फॉर एग्जांपल मेरे को एक्सएमएल के अंदर जाना है, तो मैंने एंटर किया और मैं सीधा नेविगेट हो जाऊंगा एक्सएमएल के अंदर। इसी शॉर्टकट के साथ में एक और छोटा सा बोनस टिप है मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ कि इसी चीज को और अच्छे से यूज करने के लिए। एक होता है कंट्रोल टैब, जो कि आपके हर आईडी में चलता है या हर विंडो में चलता है। कंट्रोल टैब से क्या होगा, आप जिस टैब पे अभी थे प्रीवियसली उस टैब पे वापस स्विच हो जाओगे। देखो मैं इसको दबाता रहूंगा तो ये स्विचिंग होती रहेगी इनके बीच में, जैसे मेरी एक्टिविटी फाइल है और ये एक्सएमएल फाइल है, तो इन दोनों में ज्यादातर मेरा ये काम रहेगा कि मैं इधर कुछ चेंजेस करूँ और उस चीज को यूज करने के लिए मैं अपनी एक्टिविटी के अंदर जो मेरा कॉटलिन फाइल है उसके अंदर या जावा फाइल है उसके अंदर मैं अपने बिजनेस लॉजिक को लगा रहा हूँ। अब इनमें से कोई चेंजेस हैं वो मेरे को वहाँ अप्लाई करने हैं या वो कुछ देखना है, तो मैं सिंपल सा कंट्रोल टैप करूँगा वापस में इसमें आ जाऊँगा, कंट्रोल टैप करूँगा तो वापस में इसमें आ जाऊँगा, ठीक है। ऐसे आप कंट्रोल टैप को दबा के रख सकते हैं। तो कंट्रोल टैप को जब आप दबा के रखेंगे तो ये स्विचर ओपन हो जाएगा। अब स्विचर में आप इसको टैप को आपको बार बार दबाना पड़ेगा तो आप इनमें स्विच हो पाएंगे, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। मेरे को कहीं पर भी जाना है तो मैं यहाँ पर टैप को दबाता रह रहा हूँ, और इनमें से कोई भी एक्टिविटी में मेरे को जाना है जो ओपन है टैब्स, ये जो टैब्स ओपन है इनकी बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं जैसे वर्ल्ड वाली में जाना चाहता हूँ या डाइस वन या जैसे बिल्ड डॉट गिडल फाइल में जाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल सा उसको रिलीज करना है कंट्रोल को, तो मैं इस फाइल में नेविगेट हो जाऊंगा। अब फिर से जब मैं कंट्रोल और टैब को दबाऊंगा तो प्रीवियस वाला जो मेरा टैब था वो ओपन हो जाएगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, कंट्रोल टैब, और वापस से मैं अपनी जो प्रीवियस टैब थी उसमें स्विच हो चुका हूँ। तो इस तरीके से आप भी इन रिसेंट फाइल्स में इस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं बहुत ही आसान शॉर्टकट्स के साथ में। अब हम बात करते हैं कि कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपका यह जो कोड है या जो लाइन आपने लिखी है कोड के अंदर, जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एरे, मैंने एक एरे की लाइन लिखी है, अब इसी को मेरे को रिपीट करना है, मेरे को एक और लाइन लिखनी है सेम एज इट इज, तो मेरे को इस लाइन को कॉपी करना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, शिफ्ट दबाते हैं, एक और शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, शिफ्ट के साथ जब आप होम प्रेस करोगे तो सीधा का सीधा आप जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उतना आप कवर कर लोगे। मतलब अगर आप सिंपल होम करते हो तो आप स्टार्टिंग लाइन पे आ जाते हो, एंड करते हो तो एंड ऑफ लाइन में आ जाते हो, ठीक है। पर अगर आपको किसी भी लाइन के स्टार्ट में जाना है तो आपको सिर्फ होम प्रेस करना है, और अगर आपको किसी लाइन के एंड में जाना है तो आपको एंड प्रेस करना है और एंड में आ जाओगे। अब मेरे को किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करना होता है, तो शिफ्ट के साथ जब मैं होम क्लिक करूंगा तो ये पूरा का पूरा जो मेरा लाइन है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा कंट्रोल सी एंड नीचे आके कंट्रोल वी कर दूंगा। तो ये हो गया बेसिक तरीका जिससे कि आप अपने कोड का डुप्लीकेट बनाते हैं, अपने लाइन ऑफ कोड का डुप्लीकेट बनाते हैं। अब मैं बताता हूँ एकदम बेसिक तरीका, आपको जिस भी लाइन को डुप्लीकेट करना है उस पर कंट्रोल और डी प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल और डी प्रेस करोगे उस लाइन का एज इट इज कॉपी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे दो एरे एक नाम से नहीं हो सकती, तो एरे नेम्स
कुछ भी नाम मैं ले सकता हूँ। मेरे को दो एरे बनानी थी, एक बार मैंने कोड लिखा, उसी कोड को वापस रिपीट करना है विद स्लाइट चेंजेस, तो पूरा कोड लिखने की बजाय उसको कॉपी करना है और सीधा नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट भी हो जाए। इसके लिए सिंपल सा शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डी। अब बात करते हैं तीसरे शॉर्टकट की, जो हमारे काम को आसान करेगा डिलीट करने में। जैसे मैं एक सर्टेन सेट ऑफ कोड लिख रहा हूँ, सर्टेन लाइन ऑफ कोड लिख चुका हूँ, अब मेरे को किसी एक लाइन को अगर डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, वही सेम तरीका, शिफ्ट करके होम दबाऊंगा और इसको डिलीट या बैकस्पेस प्रेस कर दूंगा या कुछ भी लिख दूंगा। अगर शिफ्ट है और वो सिलेक्टेड है, कुछ भी लिखूंगा तो हट जाएगा, ठीक है। बट ये तो हुआ बेसिक तरीका जो अभी तक आप करते आए हैं। अब अगर इस चीज को भी हम और इजी कर सके तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ में वाई को प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल वाई करेंगे तो जिस भी लाइन पे आपका कर्सर है वो लाइन एज इट इज डिलीट हो जाएगी और बहुत ही आसान हो जाएगा आपका कोड डिलीशन करना, कि जो अनरिलेवेंट कोड है, जो आपने गलती से कोड लिख दिया है और पूरी लाइन को आपको डिलीट करना है, तो आप सिंपल सा कंट्रोल वाई करेंगे और ये डिलीट होता रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं कंट्रोल वाई कर रहा हूँ, एक एक करके लाइन डिलीट हो रही है। तो जिस भी लाइन में है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, कंट्रोल वाई करना है और आपकी जो लाइन है, जिस भी करंट लाइन में आपका कर्सर है, वो लाइन एज इट इज डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोई भी कोड जो प्री डिफाइंड है एंड्रॉइड के अंदर, उसको यूज करना है, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उसका डॉक्यूमेंटेशन देखना है कि भाई यार इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। और ये डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि जब भी ये कोड किसी ने लिखा है एंड्रॉइड के लिए, ये जो प्री रिटर्न कोड है हमारा, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसने उसको कमेंट में ऐड कर रखा होगा, तो वही कमेंट हमारा डॉक्यूमेंटेशन बन जाता है और हमको क्विक डॉक्यूमेंटेशन में देखने को मिल जाता है। अब अगर हम होवर करते हैं तो वो चीज हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। जैसे कि मैं इस पे होवर किया तो ये डॉक्यूमेंटेशन आ गया। अब मैं माउस को यूज नहीं करना चाहता हूँ, शॉर्टकट को इसीलिए तो यूज कर रहा है कि मेरे को माउस का यूज नहीं करना है, मेरे को अपने कीबोर्ड से इस डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। तो कुछ नहीं करना आपको, जैसे आपको सेट कंटेंट व्यू का अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना है, जिसको हम कहते हैं क्विक डॉक्यूमेंटेशन, तो उसके लिए आपको कंट्रोल क्यू करना है। जैसे ही आप कंट्रोल क्यू करोगे तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो भी डॉक्यूमेंटेशन डिफाइंड है वो डॉक्यूमेंटेशन हमको देखने को मिल जाएगा कि भाई यार ये कौन सी क्लास में डिफाइंड है, ये क्या फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, किस चीज के लिए यूज में आता है, तो वो सब डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे क्विक डॉक्यूमेंटेशन में देखने को मिल जाती है। और इस क्विक डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ही क्विक तरीके से अगर आपको देखना है तो आप इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है कंट्रोल प्लस क्यू। जैसे कि अगर आपको ओवरराइड का डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो कंट्रोल क्यू, तो इस पर्टिकुलर ओवरराइड का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जिनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ऑन क्रिएट है तो ऑन क्रिएट का डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ होगा, ये कैसे पता चलेगा, कंट्रोल प्लस क्यू। तो ऑन क्रिएट का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और आप इस तरीके से इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अपने कोड में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है हमारा कि जब भी हमको हमारे कोड के अंदर, जो भी जिस पर्टिकुलर फाइल के अंदर मैं हूँ, उस पर्टिकुलर कोड को रीफॉर्मेट करना होता है। रीफॉर्मेट का मतलब क्या हो गया, परफेक्ट इंडेंटेशन के साथ में मेरा फॉर्मेटाइज्ड हो कोड, तो उसके लिए मेरे को हर बार हर फाइल में जाके, आप देख सकते हैं कि जैसे ये हमारा फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर का जो कोड है वो एक परफेक्ट इंडेंटेशन के साथ में शुरू होना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम जब कोड को रीड कर रहे होते हैं या उसको इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो हमको पता लग जाता है कि यार ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर जो कोड है वो एक इंडेंटेशन के बाद से स्टार्ट होना चाहिए। अगर इफ कोड लगा रखा है, इफ एल्स लगा रखा है, तो इफ कंडीशन फिर ब्रैकेट आया और ब्रैकेट के अंदर का जो कोड है वो हल्का सा इंडेंटेशन के साथ में लिखा जाएगा, जिससे कि मैं अगर कोड को फॉलो अप करूं तो मेरे को इजीली समझ में आ जाए कि कौन सा चीज किसके अंदर है और कौन सा फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरा मेन एक्टिविटी है इसके अंदर जो कोड है वो फॉर्मेशन में नहीं है, परफेक्ट इंडेंटेशन में नहीं है। कोई लाइन इधर है, कोई लाइन को बहुत ज्यादा टैबिंग मिल रखी है, कोई लाइन को एकदम स्टार्टिंग की टैबिंग है, ठीक है, भले ही वो फंक्शन के अंदर है। तो इस चीज को फॉर्मेट करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड एल। जैसे ही आप कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एल लगाते हैं तो यहाँ पे आता है रीफॉर्मेट फाइल और फाइल का नाम आ गया मेन एक्टिविटी डॉट केटी। आपको रन करना है, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि इंडेंटेशन को इसने परफेक्ट कर दिया है। और इससे मेरे को आइडिया लग रहा है कि क्लास के अंदर एक फंक्शन है, तो आप देख सकते हैं कि ये स्पेसिंग मिल रही है इसको, ठीक है। देन इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर से ये कोड स्टार्ट हो रहा है तो इसको एक स्पेसिंग मिल रही है। ये प्रॉपर इंडेंटेशन से हमको जब भी हम कोड को रीड करते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है उस कोड को समझना, तो इसीलिए इस फॉर्मेट में होना जरूरी है। और इस फॉर्मेट में लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड एल को प्रेस करना है। अब मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ कि कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एल को जब आप प्रेस करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स आता है, फिर आपको एक एडिशनल रन पे एंटर मारना पड़ेगा, तब जाके वो चीज फॉर्मेटाइज करेगा। आप सिंपल क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एंड एल, तो मैं वापस से रीफॉर्मेट हटा देता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कोई फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अभी हमने प्रीवियसली क्या किया था, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और एल को प्रेस किया था, अब मैं सिर्फ कंट्रोल ऑल्ट
और एल को प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं करता हूं तो अब मेरे पास एडिशनल पॉपअप नहीं आता है, हमको रन पे एंटर मारने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपको कंट्रोल ऑल्ट और एल करना है और आपका डायरेक्टली ये जो आपकी कोड की जो लाइंस है वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगी जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। जितनी पर्टिकुलर स्पेसिंग रिक्वायर्ड होती है, इंडेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। और ये इवन आपको बताएगा भी कि फॉर्मेटेड 21 लाइंस रिमूव 4 इंपोर्ट्स। आप कोई भी क्लास को यूज करते हैं तो उस प्री रिटर्न कोड को या पैकेज को यूज करने के लिए आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। और अगर सपोज करो मैंने उसको यूज करना था तो मैंने इंपोर्ट कर ली उस फाइल को, मेरे को लगा कि यार उस पर्टिकुलर क्लास का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसका कोड तो हटा दिया लेकिन ऊपर जो इंपोर्ट वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर वो इंपोर्ट वाली लाइन अभी भी है, तो वो रिडंडेंट कोड हो जाएगा। मतलब कि वो लाइन तो आएगी वो ग्रेश कलर में आ जाएगी कि भाई इसका कोई यूज नहीं आ रहा है, बस इंपोर्ट को आपने कॉल किया था लेकिन अब इसका कोई यूज नहीं है। तो उसको आप एक एक लाइन को हटाने के बजाय जैसे आप रीफॉर्मेट करोगे अपने कोड को पूरी क्लास के, तो ऑटोमेटिकली वो चीज हट जाएगी। और ये केवल हमारे कॉटलिन या जावा क्लासेस के लिए नहीं है, इवन आप एक्सएमएल में जाके भी आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, इस शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं जिससे कि प्रॉपर इंडेंटेशन फॉलो हो आपके किसी भी फाइल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवररिडन मेथड की। जैसे कि हम बात करें किसी भी एक्टिविटी के अंदर हम जाते हैं तो ओवरराइड करने होते हैं हमको कुछ मेथड्स, कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं जिनको तो आपको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। वहां पे रेड लाइन आ जाती है, आप ऑल्ट प्लस एंटर करते हैं और वो ओवरराइड हो जाता है। दैट इज अ शॉर्टकट फॉर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन दैट नीड्स टू बी ओवरराइडन। बट अगर मैं बात करूँ कि कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो इस क्लास में, जिस भी क्लास को आपने इनहेरिट किया है, तो उससे कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है, इसमें भी कई सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनको हम ओवरराइड कर सकते हैं। अभी सिर्फ हमने ऑन क्रिएट को ओवरराइड कर रखा है। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई और फंक्शन है जिसको मेरे को ओवरराइड करना है उस पर्टिकुलर सुपर क्लास से, तो वो क्या करना है, उस जिस भी क्लास में हम है, जिस भी क्लास के फंक्शन को ओवरराइड करना है, तो उसके अंदर आना है और आपको सिंपल सा कंट्रोल ओ करना है। जैसे कि आप कंट्रोल ओ करेंगे तो यहाँ पे आ गए आपके ओवरराइड मेंबर्स। तो जो भी मेंबर्स हैं जिनको आप ओवरराइड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपल सा जो भी चाहिए, जैसे मेरे को ऑन बैक प्रेस चाहिए, तो जो भी फंक्शन आपको चाहिए, आपको याद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और जैसे कि ऑन बैक प्रेस चाहिए तो एंटर किया और ये हमारा ऑन बैक प्रेस आ चुका है। तो इस तरीके से कोई भी फंक्शन को अगर आपको ओवरराइड करना है इस पर्टिकुलर क्लास का, तो आपको सिर्फ कंट्रोल और ओ को प्रेस करना है और आपके जितने भी ओवररिडन मेथड्स हैं, ओवररिडन मेंबर्स हैं, वो आपको यहाँ पे इस लिस्ट में शो हो जाएंगे। यू कैन सर्च फ्रॉम हियर और जो भी आपको फंक्शन चाहिए उस फंक्शन पे या उस मेंबर पे आपको टैप करना है और ओके पे प्रेस कर देना है। ओके पे प्रेस करने के लिए आपको सिंपल सा एंटर दबाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे को ये डायलॉग बॉक्स को हटाना है, ठीक है, मेरे को फंक्शन को ओवरराइड करना था लेकिन वो फंक्शन मेरे को यहाँ मिला नहीं है, ठीक है, तो जो भी ओवररिडन फंक्शन मेरे को लग रहा था कि यार ये इसमें मिल जाएगा लेकिन मिला नहीं है, तो मेरे को ये जो सेलेक्ट नन है इसको मैं टैब से भी हटा सकता हूँ। जैसे आप टैब पे जाएंगे, सेलेक्ट नन पे एंटर मारेंगे तब भी हो जाएगा, एंटर किया ये हट गया, फिर से मैं ले जाता हूँ। और दूसरा एक तरीका और होता है, कंट्रोल ओ आ गया आप, अब यहाँ पे अगर आपको सेलेक्ट नन पे जाना है तो आपको सिंपल सा ऑल्ट दबाना है। ऑल्ट के बाद में अगर आप देखेंगे कोई भी जगह पे आपको अगर किसी का भी शॉर्टकट देखना है कि अगर इसमें कोई प्री डिफाइंड शॉर्टकट है कि नहीं है, तो आप सिर्फ वहाँ पे ऑल्ट दबाए। तो ऑल्ट दबाने से क्या होगा कि जिस भी फंक्शन को अगर आपको प्रेस करना है तो उसके अंदर से एक लेटर जो होगा उसके नीचे एक लाइन हाईलाइट हो जाएगी, जिससे कि ये पता लग जाएगा आपको कि ये जो की है इसको अगर आप ऑल्ट के साथ प्रेस करोगे तो ये चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब ये वाला जो बटन है वो प्रेस हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट नन में कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे ही मैं ऑल्ट को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एन, जो कैपिटल एन है, उसके नीचे वो लाइन आ चुकी है। मतलब ऑल्ट एन का कुछ और भी मतलब हो सकता है, लेकिन अभी जब ये विंडो ओपन है तो ऑल्ट एन का मतलब होगा सेलेक्ट नन। तो मैं सिंपल सा एन प्रेस करूंगा और सेलेक्ट नन मतलब कि वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जितने भी ओवरराइड मेंबर्स अपनी क्लास में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उनको आप डायरेक्टली शॉर्टकट के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं और बहुत ही क्विक टाइम के अंदर आप इनको इंप्लीमेंटेशन में ला सकते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर जिसको हम कहते हैं ब्लॉक क्लोजर और ब्लॉक ओपन। मतलब ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड से मैं दिखाऊं तो ये हमारा ब्लॉक होता है। आपको प्लस माइनस का एक साइन मिलता है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो एक ब्लॉक जहाँ पे आपका एक स्कोप रेजोल्यूशन स्टार्ट होता है, मतलब कर्ली ब्रेकेट ऑन हुआ और कर्ली ब्रेकेट क्लोज हुआ, तो एक पूरा पर्टिकुलर आपका क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अब उस ब्लॉक में आपने बहुत सारा कोड लिख रखा है, ठीक है, और दूसरे फंक्शन बनाए दूसरे ब्लॉक से, उनमें और कोड लिख रखा है। अब आप चाहते हैं कि यार आपका मेन फोकस उस पर्टिकुलर ब्लॉक में हो जिसमें आप अभी करंटली वर्क कर रहे हैं, बाकी सारे ब्लॉक जो है वो क्लोज रहे,
ठीक है, तो आपको हर एक पे जाके क्लोज करना पड़ेगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत काम में आएगा, क्योंकि जब भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपका मेन फोकस रहना चाहिए जिस भी पर्टिकुलर ब्लॉक में आप इंप्लीमेंटेशन या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको लिखने हैं आप उसमें लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप बाकी जितने भी अननेसेसरी ब्लॉक्स ओपन है तो वो कई बार आपको ऐसा लगेगा बहुत ही कंजस्टेड कोड हो चुका है आपका, तो उस चीज को और इजियर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उन ब्लॉक्स को क्लोज कर देते हैं, जिससे हमारा फोकस है कि हाँ भाई ये चीज इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर आती है और इस ब्लॉक के अंदर हमको ये कोड को एग्जीक्यूट करना है, और उसकी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसका जो कोडिंग है वो हम स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे को बाकी सारे ब्लॉक्स को क्लोज करना रहेगा। अब यहाँ पे माउस से तो हमको ये ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अगर हमारे पास में एक ऐसी शॉर्टकट होती जिससे कि मैं इनको क्लोज कर पाता तो उससे मेरा काम और आसान हो जाता। तो डेफिनेटली इसके लिए भी एक शॉर्टकट है जो बहुत काम आने वाली है आपके जब भी आप एक फोकस कोड लिखना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो जिस भी ब्लॉक को आपको क्लोज करना है उस ब्लॉक में आ जाइए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस, प्लस करने पे वो जो ब्लॉक है वो ओपन हो जाएगा, माइनस करने पे क्लोज हो जाएगा। तो प्लस करने पे अभी कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जैसे माइनस करता हूं तो ये ब्लॉक क्लोज हो चुका है, ठीक है। फिर मैं आ जाता हूं नीचे इस वाले फंक्शन के अंदर, इसको भी क्लोज करना है तो माइनस, फिर इस वाले में आ जाता हूं इसको भी क्लोज करना है तो माइनस, ठीक है। फिर आ जाता हूं इसके अंदर, इसको भी अगर हमको क्लोज करना है तो कंट्रोल माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे ब्लॉक्स को क्लोज कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को ऑन बैक पैस वाला जो ये फंक्शन है इसको भी क्लोज करना है तो कंट्रोल माइनस, देन ऑन स्टार्ट, ठीक है, तो इसको ओपन करना है, वापस उसमें जाना है कंट्रोल प्लस करना है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल माइनस के साथ में उस ब्लॉक को क्लोज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे करते हुए को सब ब्लॉक्स को एक एक करके क्लोज करना है जो इनहेरिटेड है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक है, दूसरे ब्लॉक के अंदर तीसरा ब्लॉक है, हो सकता है ना ऐसा आपका एक ओवररिडन फंक्शन है उसके अंदर आपने अपना काम किया है और उसमें आपको एक लिसनर क्लास मिली है, उसका एक खुद का ब्लॉक है, उसके अंदर आपने कोई और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं या उस पर्टिकुलर चीज को आपने इंप्लीमेंट किया है तो उसका एक अलग ब्लॉक हो गया। तो अब उसको क्लोज करना है तो आप क्या करोगे, जैसे कि ये हमारा ब्लॉक है, इसमें हम है, मैं चाहता हूं कि ये ब्लॉक क्लोज हो, फिर ये वाला ब्लॉक क्लोज हो, फिर इसके ऊपर कौन सा है जो ऑन क्लिक लिसनर वाला ब्लॉक है वो क्लोज हो, फिर इसके ऊपर कौन सा ये वाला जो ब्लॉक है वो क्लोज हो। तो इस तरीके से करने के लिए आपको क्या करना है, उस ब्लॉक में आना है जो सबसे लास्ट वाला जो ब्लॉक है जिसके ऊपर सारी पैरेंट ब्लॉक्स है, ठीक है। तो कंट्रोल माइनस करना है, ये क्लोज, ये प्लस, ठीक है। फिर से यहीं पे आपको वापस माइनस करना है तो इसके ऊपर जो ब्लॉक होगा ना वो भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस करूंगा तो इसके ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो क्लोज हो जाएगा, फिर माइनस टैप करूंगा कंट्रोल के साथ ही, कंट्रोल दबा के रखना है और माइनस माइनस करते रहना है, ठीक है। और इस तरीके से आपका पूरा जो एक्टिविटी का जो मेरा लास्ट ब्लॉक है उसके अंदर हम आ चुके हैं और उसको भी हमने क्लोज कर दिया है विद सिंपल शॉर्टकट कंट्रोल माइनस एंड कंट्रोल प्लस। अब हम बात करते हैं कि मेरे को एक साथ ही ऐसा करना हो, एक साथ ही मतलब कि ये सब कुछ ओपन है, मेरे को सब कुछ क्लोज नहीं करना है, मतलब मैं जिस क्लास में हूँ उसका जो सबसे मेन जो ब्लॉक है जिसके अंदर सारे ब्लॉक कंसिस्ट करते हैं उसी ब्लॉक को क्लोज करना है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और माइनस। तो एज इट इज हमारा सिर्फ एक लाइन से पूरा का पूरा जो एक्टिविटी का कोड है वो सम अप हो चुका है एक ब्लॉक के अंदर। खोलना है वापस इस ब्लॉक को तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो इस तरीके से आप कोई भी ब्लॉक का क्लोजर करना है, ओपन करना है, जिससे कि आपका फोकस रहे कि भाई मेरे को इस पर्टिकुलर ब्लॉक में काम करना है, तो बाकी सारे जो ब्लॉक्स हैं वो आप क्लोज कर सकते हैं जस्ट द सिंपल स्टेप, आपको क्या करना है, कंट्रोल माइनस या कंट्रोल प्लस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर, और इस शॉर्टकट का नाम है इंडेंटेशन। प्रॉपर इंडेंटेशन अगर आपको अपने कोड के अंदर करना है तो वो मैंने आपको बताया रीफॉर्मेट वाला जो कमांड है उस कमांड को आप एग्जीक्यूट करके भी काम कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल ऑल्ट एल, और आपका रीफॉर्मेट क्या करेगा, प्रॉपर इंडेंटेशन में ले आएगा। लेकिन अगर आपको सिंगल लाइन का इंडेंटेशन प्रॉपर करना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, उस लाइन पे जाना, जैसे कि ये वाली जो लाइन है इसका इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं लग रहा है तो मेरे को क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट और आई को प्रेस करना है। जैसे ही मैं कंट्रोल ऑल्ट आई प्रेस करूंगा तो उस पर्टिकुलर लाइन का जो इंडेंटेशन है वो प्रॉपर हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट लाइन पे भी मेरे को यही सेम चीज करनी है, क्योंकि स्टार्ट भी जो है प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं मिल रखी है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट आई। इससे आपका कोई भी लाइन का अगर आपको इंडेंटेशन प्रॉपर करना है तो आप कर सकते हैं इन क्विक टाइम। नेक्स्ट आते हैं हमारे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर एक नई शॉर्टकट के ऊपर। तो अब मेरे को क्या करना होता है, किसी भी क्लास है या फंक्शन है या कोई भी मेंबर है, इसको देखना है कि ये कहाँ डिफाइंड है या किस क्लास के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल जो सेट कंटेंट व्यू है हमारा, ठीक है, अगर मेरे को इसका जो डिक्लेरेशन है वो ऑब्वियसली कहाँ है, इस पर्टिकुलर ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर, तो इसमें जाके देखने के लिए मैं क्या करना है, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक लगाना है तो मैं जाके देख सकता हूँ। लेकिन यही चीज मेरे को शॉर्टकट के थ्रू करनी है तो मैं क्या करना पड़ेगा, आपको जिस भी फंक्शन या क्लास के ऊपर आपको डिक्लेरेशन में जाना है, जहां पे उसका डिक्लेरेशन हो रखा है वहां पे डायरेक्टली जाना है, तो उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल के साथ में बी टैप करना है,
जैसे ही आप कंट्रोल के साथ बी टैप करेंगे तो सीधा आपको उसी पर्टिकुलर डिक्लेरेशन में नेविगेट करेगा जहां पे ये इनिशियली डिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेट कंटेंट व्यू में आ सकता हूँ। सिंपल सा मेरे को क्या करना है, देखो मैं वापस मेन एक्टिविटी में कैसे आया, कंट्रोल टैप करके, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। वापस स्विच करना है आपको टैब्स में, तो आप इस तरीके से स्विच कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे सपोज करते हैं कि जो एरे डाइसेस है ये मेरे इसी क्लास में डिफाइंड है। अब मैंने बहुत सेट ऑफ कोड लिख रखा है, ठीक है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड लिख रखा है। अब मैं उस एरे डाइसेस को यूज कर रहा हूँ, मेरे को देखना है कि वो इनिशियली कहाँ डिक्लेयर्ड है। तो मैं कुछ नहीं करना, इस एरे डाइसेस पे आना है और कंट्रोल बी प्रेस करना है। जैसे ही मैं कंट्रोल बी करूंगा तो ये फर्स्ट टाइम जहां पे भी डिक्लेयर्ड है वहां पे मेरे को नेविगेट कर देगा उसी क्लास के अंदर, और अगर कोई दूसरी क्लास में है तो सीधा उस क्लास में नेविगेट कर देगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन के ऊपर, या कह सकता हूं मैं या उस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन के ऊपर डायरेक्टली नेविगेशन के लिए आपको सिंपल सा कंट्रोल बी को यूज करना है, कंट्रोल के साथ बी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मैक की भी शॉर्टकट नीचे दिख रही होगी, मतलब जो मैं शॉर्टकट यहाँ यूज कर रहा हूँ वो आपको विंडोज की बता रहा हूँ। ऐसी ऐसी सेम शॉर्टकट्स आपकी मैक के ऊपर भी होती है। अगर आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास में मैक ओएस है तो उसके ऊपर कौन से कमांड यूज़ करने हैं वो कमांड आपको मिल जाएंगे। कॉमनली यही रहता है कि जो आपका ऑल्ट होता है विंडोज़ में वो आपका ऑप्शन बन जाता है, और जो कंट्रोल होता है वो कमांड बन जाता है। कुछ सिमिलर ही कमांड्स होते हैं, बट कहीं कहीं जगह डिफरेंट होंगे, तो आपको नीचे पॉपअप के अंदर दिख जाएगा कि विंडो के लिए कौन सा कमांड है और मैक ओएस के लिए कौन सा कमांड है। कि अगर आप विंडो के ऊपर अगर एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा कमांड को यूज़ करना है, और अगर वही सेम चीज एंड्रॉइड स्टूडियो को आप अगर आप अपने मैकबुक पे या मैक ओएस के ऊपर यूज कर रहे हैं तो कौन से शॉर्टकट को एग्जीक्यूट करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और रियली हेल्पफुल लग रही है, उसे जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इसी के साथ मैं आपके सभी के लिए एक बोनस ट्रिक भी लेकर आया, बहुत छोटी सी ट्रिक है, बट वो बोनस ट्रिक है वो जिसमें इंक्लूडेड नहीं है। एक छोटी सी ट्रिक है जो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है अगर आपको अपने टैब्स में नेविगेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर इतने सारे टैब्स ओपन है, और अगर मेरे को डायरेक्टली इनमें नेविगेट करना है तो मैंने एक स्विचर बताया था, स्विचर के थ्रू तो आप इस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। लेकिन अब मेरे जो ओपन टैब्स हैं उनमें अगर मेरे को नेविगेट करना है बहुत आसानी से कि भाई अभी मैं एक्टिविटी मेन में हूँ फिर मैं सीधा ह्यूमन वाली जो कॉटलिन फाइल है उसमें आ जाऊँ, तो क्या करना है आपको ऑल्ट के साथ में लेफ्ट और राइट एरो को प्रेस करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, राइट में आना है तो इस तरीके से। जैसे मेरे को इस मेन एक्टिविटी में जाना है तो ये आ गया मेन एक्टिविटी के अंदर। वापस मेरे को वर्ल्ड में जाना है तो वर्ल्ड में आ गया, वर्ल्ड डॉट जावा के अंदर। देन मेरे को डाइस टू में जाना है तो डाइस टू में आ गया। देन XML में जाना है तो XML में जाने के लिए मेरे को सिंपल सा करना है एक्टिविटी मेन के ऊपर हमारे कर्सर को ले जाना, नेविगेट करना है। तो इस तरीके से मैं इन ओपन टैब्स के अंदर नेविगेट कर सकता हूँ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर। ये शॉर्टकट क्या काम करेगी, जैसे कि ये मेरा कोड है, इस कोड में मेरे को एक पर्टिकुलर लाइन पे जाना है, कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन पे, और उस पर्टिकुलर लाइन पे भी एक पर्टिकुलर वर्ड पे मेरे को जाना है। उसका जो काउंट है वो परफेक्टली अगर मेरे को पता है तो मेरे को क्या करना है, कंट्रोल और जी प्रेस करना है। जैसे ही मैं कंट्रोल और जी प्रेस करूंगा तो एक विंडो मेरी स्क्रीन पे ओपन हो चुका है, गो टू लाइन कॉलम। इसका मतलब क्या है, पहले आएगा आपका लाइन का नाम, लाइन की वैल्यू आएगी, देन कॉलन, और फिर आएगा आपका वर्ड का काउंट। ठीक है, तो उसमें कौन से कॉलम पे जाना है, कॉलम मतलब ये हो गया आपके, ठीक है। तो ये अगर सेट ऑफ कोड है ऐसे, तो ये आपका रो हो गया, लाइन जो है, और उस लाइन में जो वर्ड्स आपने लिखे ही हो गए कॉलम। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को 16th लाइन पे जाना है तो 16:1 जैसे मैं करूंगा तो इस पर्टिकुलर फाइल की जो 16th लाइन है उसका जो फर्स्ट वर्ड है, अभी तो फर्स्ट वर्ड कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका 8th कॉलम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से कंट्रोल जी करना है और 16 मैं कर देता हूँ 8। तो आप देख सकते हैं जस्ट उसके पास में आ गया, 8 नहीं, ये 9th नंबर पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी लाइन पे डायरेक्टली नेविगेट कर सकते हैं। ये सेम चीज आप एक्टिविटी में भी कर सकते हैं, जावा के अंदर, कॉटलिन के अंदर, किसी में भी कर सकते हैं। जैसे इसमें आ चुका हूं मैं, कंट्रोल जी प्रेस करता हूं, और अभी करंटली मेरे को ये बता रहा है मैं 35th लाइन पे हूँ और 29 कॉलम के ऊपर हूँ। और 29 कॉलम का मतलब क्या हो गया, स्पेसिंग, 29 स्पेस के ऊपर हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि मेरे को स्टार्टिंग की 11th लाइन पे जाना है, ओके करता हूँ। तो ये रही आपकी स्टार्टिंग की 11th लाइन। सीधा मैं अपने उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जिस भी पर्टिकुलर लाइन पे मेरे को नेविगेट करना है डायरेक्टली कर सकता हूँ विद जस्ट द सिंपल शॉर्टकट कंट्रोल जी। अब जो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट होने वाली है वो आपके कुछ लेआउट एडिटर से रिलेटेड होने वाली है। तो चलते हैं सीधा एक्टिविटीज XML के अंदर। जो हमारी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन XML फाइल जो होती है, हमारी जितनी भी XML फाइल्स होती है वो जिस पैटर्न में दिखती है, इधर आपका कोड होता है, इधर आप देख सकते हैं कि आपका जो भी डिजाइन है वो किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या शॉर्टकट हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपको जूम करना है इसमें तो यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ में प्लस को प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप देखो जूम हो रहा है, माइनस करेंगे तो जूम आउट हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने एडिटर के अंदर, अपने लेआउट के अंदर जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से मैं अपने लेआउट में जूम करके देख सकता हूँ कि कोई भी डिटेल अगर मेरे को परफेक्टली डिजाइन करना है और मेरे को देखना है कि उस जगह पे वो चीज सही से प्रॉपरली सेट हुई कि नहीं हुई है, तो मेरे को उसको जूम करना होगा और जूम करने के लिए सिंपल सी शॉर्टकट यूज करनी है, कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस फॉर जूम आउट। अब लेआउट की बात करते हैं कि यहाँ पे आपको दो लेआउट दिख रहे हैं, एक नॉर्मल लेआउट और एक उसका ब्लूप्रिंट। अगर आपको चाहिए कि नहीं यार सिर्फ मेरे को लेआउट चाहिए, ब्लूप्रिंट नहीं चाहिए, तो सिंपल सा बी प्रेस करना है, ब्लूप्रिंट गायब हो जाएगा। फिर बी प्रेस करो, सिर्फ ब्लूप्रिंट आ जाएगा। फिर बी प्रेस करो, दोनों आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने ब्लूप्रिंट और मेन लेआउट के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, डिजाइन स्ट्रक्चर के बीच में आप नेविगेट कर सकते हैं कि आपको दोनों चाहिए, केवल ब्लूप्रिंट चाहिए या केवल आपको लेआउट चाहिए। तो इस तरीके से आप बी प्रेस करके, सिंपल सा बी प्रेस करना है और ये नेविगेशन हो जाएगा। रिकॉर्ड शॉर्टकट, कई बार हम कोड लिख देते हैं और रिफ्रेश नहीं होता है हमारा लेआउट। तो मैंने यहाँ पे कोड तो लिख दिया, लेकिन मेरे को अगर लेआउट को रिफ्रेश करना है तो आपको सिंपल सा प्रेस करना है आर। आर करते हैं, आप नीचे देख सकते हैं रिफ्रेशिंग आ गया है, ठीक है। तो कोई भी चेंजेस अगर अप्लाई नहीं हुए हैं आपके लेआउट के अंदर, जो आपने कोड में तो लिख दिया लेकिन लेआउट में रिफ्रेश नहीं हुआ है, वो लेआउट इस वजह से वो जो कंटेंट है वो आपको दिख नहीं पा रहा है, वो जो कंटेंट आपने लिखा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश करते ही वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, और रिफ्रेश करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, आर की को प्रेस करना है। अब आ जाते हैं वापस दूसरी शॉर्टकट के अंदर, और वो शॉर्टकट है आपकी कोड के रिलेटेड। तो कोड के रिलेटेड मतलब क्या हो गया कि आपका जावा या कॉटन कोड है, तो आप आ जाते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर या जो भी एक्टिविटी फाइल है उसके अंदर हम आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं इफ एल्स या ट्राई कैच ब्लॉक लगाना चाहता हूँ। आप सभी को पता है इफ एल्स कहाँ यूज में आता है, ट्राई कैच कहाँ यूज में आता है, बट इन कोड को लिखना पड़ेगा, इनको एडिशनली आपको कोड करना पड़ता है कि भाई यहाँ पे मेरे को इफ एल्स कंडीशन लगानी है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मेट होता है या कह सकते हैं टेम्पलेट है, इफ ब्रैकेट में कंडीशन कर्ली ब्रैकेट ऑन, अगर आपका सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन आ जाएगी, मल्टी लाइन है तो कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज देन एल्स। तो इस चीज को, ये जो टेम्पलेट है इसको यूज करने के लिए एक और शॉर्टकट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी चीज का इफ एल्स लगाना चाहता हूँ, जैसे कि ये वाली लाइन है, इस लाइन को मैं कंडीशनली एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ कि भाई इस कंडीशन पे ये एग्जीक्यूट हो, इस कंडीशन पे ये एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिएगा कि इस लाइन को मैं इफ एल्स के अंदर इंक्लूड करूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट एंड टी। जैसे ही आप कंट्रोल ऑल्ट एंड टी करेंगे तो एक पॉपअप ओपन हो रहा है, वो कह रहा है सराउंड विथ। तो जितने भी सराउंड विथ के ऑप्शंस होते हैं या सराउंड विथ के आपके टेम्पलेट्स होते हैं, वो टेम्पलेट सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे मेरे को इफ एल्स लगाना है तो इफ एल्स में मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे सिंपल सा इफ एल्स आ चुका है, और इफ के अंदर ये मेरा कोड आ चुका है, मेरे को सिर्फ यहाँ पे कंडीशन लिखनी है एंड इट्स रेडी टू गो। मतलब मेरे को इफ एल्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सा जिस कोड को आपको कंडीशनली नेविगेशन करवाना है अपनी ऐप के अंदर, उस कोड को आपको इफ एल्स में लगाने के लिए सिंपल सा कंट्रोल ऑल्ट एंड टी प्रेस करना है, कंट्रोल ऑल्ट एंड टी। जैसे ही कंट्रोल ऑल्ट एंड टी प्रेस करोगे तो यहाँ पे सराउंड विथ ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि हम इस जगह पे इफ के अंदर है तो यहाँ पे सराउंड नहीं हो सकता है। तो हम वापस इस जगह आते हैं, फिर अपन कंट्रोल ऑल्ट एंड टी करते हैं, तो यहाँ पे फिर से आ चुका है इफ एल्स ट्राई कैच। अब मैं इसमें ट्राई कैच लगाना चाहता हूँ, तो ट्राई कैच पे एंटर किया तो ये कोड मेरा ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब जो भी मेरे को इसके अलावा जो भी काम करना है, ट्राई के अंदर जो काम करना है या कैच के अंदर जो भी काम करना है वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को ट्राई कैच का जो टेम्पलेट है वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक शॉर्टकट से मैं उसको अवेल कर सकता हूँ। ये शॉर्टकट आपका काफी ज्यादा टाइम जो है वो कम कर सकती है, जब भी आप एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कोडिंग कर रहे होंगे, ऐप डेवलप कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर। इस शॉर्टकट का क्या रोल है कि जो भी आपके अनयूज इम्पोर्ट्स हैं, अनयूज इम्पोर्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके अनयूज इम्पोर्ट्स, मतलब इम्पोर्ट सारे यहाँ पे आएंगे जो इम्पोर्ट का आप यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बार के लिए टेक्स्ट यू लेता हूँ, वेल माय टेक्स्ट, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो एक क्लास का वेरिएबल है, मतलब जिसमें टेक्स्ट यू क्लास के ऑब्जेक्ट को हम होल्ड करेंगे, तो इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऑल्ट प्लस एंटर करते हैं, जैसे ही आप ऑल्ट प्लस एंटर करते हैं तो जो आपके सजेशंस होते हैं, क्विक सजेशंस होते हैं, वो आ जाते हैं। तो एक और शॉर्टकट यहाँ पे आपको देखने को मिल गई है, ऑल्ट एंटर। जब भी आप कोई एरर आ रही है, कोई भी सजेशन आ रहा है या कोई भी वार्निंग आ रही है, उसके जो क्विक एक्शंस होते हैं उनको लाने के लिए आपको राइट क्लिक करके शो एक्शंस पे जाना पड़ता है या होवर करना पड़ता है, उनको आप इजीली कर सकते हैं ऑल्ट एंटर के साथ में। ऑल्ट एंटर करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा। आपको क्या करना है, टेक्स्ट व्यू नाम से क्लास बनानी है क्या, आपको टेक्स्ट व्यू नाम से इनम बनाना है, टेक्स्ट व्यू नाम से इंटरफेस बनाना है, क्या करना है, मेरे को इसको इंपोर्ट करना है। एंटर करते ही ये जो टेक्स्ट व्यू क्लास को हम यूज करने वाले हैं ये क्लास इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब सपोज करें मेरे को इसकी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने इसको हटा दिया, तो मैंने इसको तो हटा दिया लेकिन इसके इंपोर्ट को नहीं हटाया। ऊपर देख सकते हैं कि इंपोर्ट अननेसेसरी इंपोर्ट, जिसको हम कहते हैं अनयूज्ड इंपोर्ट। तो मैं बात कर रहा हूं इस शॉर्टकट की हेल्प से, आप जो अनयूज्ड आपके इंपोर्ट्स हैं उनको हटा सकते हैं। और ये शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ऑल्ट एंड ओ। जैसे ही आप कंट्रोल ऑल्ट और ओ को प्रेस करेंगे तो जो भी अनयूज्ड इंपोर्ट्स होंगे, जितने भी इंपोर्ट्स होंगे, वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है।
इनको हम क्या कर सकते हैं, इस ब्लॉक को भी हम बंद कर सकते हैं। सिंपल सा अभी शॉर्टकट देखा था हमने, कंट्रोल ऑल्ट माइनस करेंगे तो ब्लॉक क्लोज हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो इस ब्लॉक में हम आए और ब्लॉक में देखा कि यार इसमें कई सारी ऐसी क्लासेस हैं जिनको हमने इंपोर्ट तो किया था लेकिन अब हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम उसका जो क्लास का यूज था हमारे इस पर्टिकुलर कोड के अंदर वो अब कहीं यूज नहीं है, मैंने उसकी जगह कोई दूसरी क्लास को यूज कर लिया। अब इम्प्लीमेंटेशन रहा नहीं तो मैंने उस कोड को हटा दिया, लेकिन जो उसका इम्पोर्टेशन है, जो उस क्लास को हमने इम्पोर्ट किया था, वो लाइन जो है वो यहाँ पे अभी भी इम्पोर्टेड है। वहां पे आपका ग्रेश कलर में लाइन आएगी, कैसी ऐसी, ये देखो ये जो आपको लाइन दिख रही है ग्रे कलर में, ग्रे कलर का इंपोर्ट आपको ये बताता है कि ये जो आपने क्लास को इंपोर्ट किया है अब इसका कोई यूज नहीं है, आपने कहीं इसको यूज नहीं किया। तो इसको हटाने के लिए सिंपल सा कंट्रोल ऑल्ट को, तो ये जो भी अनयूज होंगे, जैसे कि अभी तो यहाँ पे एक आया तो आप देख सकते हो रिमूव्ड वन इंपोर्ट, ऐसे कई सारे होंगे। जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपने कहीं ऐसी क्लासेस को यूज किया होगा और अब उनका कोई यूज नहीं है लेकिन उनके इंपोर्ट तभी भी पड़े हैं। सिंपल सा आपको क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट एंड ओ। नेक्स्ट शॉर्टकट जो कि आता है हमारे सेटिंग्स, जब भी हमको सेटिंग्स के अंदर जाना है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो की, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे फाइल में जाना पड़ता है एंड देन सेटिंग्स में जाना पड़ता है। फाइल में जाने के लिए भी एक शॉर्टकट है, आप देखो ऑल्ट दबाएं, आपको यहाँ ऊपर वाले जितने भी आइटम्स हैं, जो भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे, फाइल, एडिट, व्यू, इन सब में आप नेविगेट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, ऑल्ट के साथ में जो भी उस पर्टिकुलर वर्ड में से जो एक लेटर हाईलाइटेड है, जैसे कि फाइल है तो उसमें एफ हाईलाइटेड है, एफ हाईलाइटेड कैसे, उसके नीचे एक लाइन है। ठीक है, तो मैं सिंपल सा एफ प्रेस करूंगा तो फाइल ओपन हो जाएगा, ई प्रेस करूंगा तो एडिट ओपन हो जाएगा, वी प्रेस करूंगा तो व्यू ओपन हो जाएगा, रन तो आर प्रेस करना है, कंट्रोल आर तो रिफ्रैक्टर ओपन हो जाएगा, रन के लिए यू होता है, कंट्रोल यू करेंगे तो रन वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन पर्टिकुलर सेटिंग्स में तो मैं जा सकता हूँ। और अगर हम बात करें तो सिंपल सा मेरे को क्या करना है, ऑल्ट के साथ में एफ करूंगा और यहाँ पे सेटिंग्स में एंटर करूंगा और मैं सेटिंग्स में आ सकता हूँ। बट इसका भी एक शॉर्टकट है कि आप डायरेक्टली सेटिंग्स में आ सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट एंड एस। जैसे ही कंट्रोल ऑल्ट एस को प्रेस करोगे आपका सेटिंग वाला जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा, देन आपको जिसमें भी जाना है, जिस भी सेटिंग में जाना है, उस सेटिंग में जाके आपने जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी चेंजेस को अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं सिंपल सा, और देन आप ओके करेंगे तो ये आपका जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगा। कैंसिल करना है तो कैंसिल पे आप नेविगेट कर सकते हैं और कैंसिल पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगा। तो बहुत ही इजीली इस शॉर्टकट से आप अपनी सेटिंग्स में नेविगेट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट शॉर्टकट है ऑल अबाउट सर्चिंग। सर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैंने यार बहुत कोड लिख रखा है, बहुत सारी फाइल्स हैं, फाइल्स के अंदर मल्टीपल कोड लिख रखा है, मेरे को याद है कि मैंने ऐसा कुछ काम किया था उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, लेकिन ना तो मेरे को उस फाइल का नाम याद है, ना मेरे को उस क्लास का नाम याद है, ना ही मेरे को उस पैकेज का नाम याद है, बट किया जरूर इस प्रोजेक्ट में। तो इस प्रोजेक्ट में सर्च करने के लिए आपको सिंपल सा क्या प्रेस करना है, दो बार शिफ्ट। शिफ्ट करते ही आपके पास में ऑप्शन होंगे कि आपको क्या सर्च करना है, ऑल क्लासेस, फाइल, सिंबल, क्या सर्च करना है वो आप यहाँ पे सर्च करवा सकते हैं। जैसे कि मेरे को XML में जाना है, एक्टिविटी XML के अंदर, तो सिंपल सा आप इस तरीके से भी जा सकते हैं एक्टिविटी XML, और इस XML के अंदर हम डायरेक्टली नेविगेट कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बंद थी, तो अगर इसको मेरे को ओपन करना होता तो मेरे को क्या करना पड़ता, प्रोजेक्ट में जाना होता, देन हम इस ऐप वाले फोल्डर में आते, फिर रिसोर्स वाले फोल्डर में जाते, फिर लेआउट वाले फोल्डर में जाते और फिर मैं इसको डबल टैप करता तो ये मेरी जो फाइल है वो ओपन होती। अब मेरे को डायरेक्टली इस फाइल में जाना है तो मेरे को कुछ नहीं करना, सिंपल दो बार शिफ्ट को प्रेस करना है। जैसे ही दो बार शिफ्ट प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जो भी आपको सर्च करना है वो आप सर्च कर सकते हैं एक्टिविटी, और एक्टिविटी करते ही यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया, जो भी आपकी एक्टिविटीज होंगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी मल्टीपल। अभी सिर्फ एक ही एक्टिविटी है तो वही आ रही है और यहाँ पे मेरे को XML में जाना है तो एंटर करूंगा, सीधी मेरी XML फाइल ओपन हो जाएगी। फिर मैं वापस नेविगेट कर सकता हूँ मेरी मेन एक्टिविटी के अंदर और इनके बीच में स्विचिंग कर सकता हूँ, मैं ऑल्ट के साथ में स्विचिंग कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं स्विच तो कर सकता हूँ जब वो ओपन हो, लेकिन उसको डायरेक्टली ओपन करवाना है, कोई भी फाइल कहीं पे भी पड़ी है तो सिंपल सा दो बार टैप करना है, यू कैन सर्च एनीवेयर इन योर प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं कोड की, तो कोड के लिए आपको क्या करना है, टैब प्रेस करना है, क्लासेस यहाँ पे आ जाएगी, फाइल्स यहाँ पे आ जाएगी, देन सिंबल। सिंबल में मैंने एक फंक्शन लिख रखा है रोल डाइस का, अब वो कहाँ पड़ा है मेरे को नहीं पता, लेकिन जैसे ही मैंने रोल डाइस लिखा, ठीक है, इवन मेरे को ये याद है कि मैंने रोल का कुछ काम किया था, डाइस रोलर के अंदर मैंने कोई रेंडम वाला काम किया था, अब मेरे को याद नहीं आ रहा कि उस कोड का क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है, कैसे उसको लिखना होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सा रोल डाइस, जो भी रिलेटेड कोड याद आ रहा है वो मैं यहाँ लिखूंगा, तो ये मेरे को बता देगा कहाँ क्या चीज़ें पड़ी। जैसे मैंने रोल लिखा है तो एक बटन रोल भी है, BTN रोल, इसकी मैंने ID दे रखी है बटन की, BTN रोल नाम से। अगर वो चीज़ पे जाना सीधा एंटर करेंगे और हम इस पर्टिकुलर बटन के ऊपर नेविगेट हो जाएंगे। फिर से आते हैं और यहाँ पे मैं रोल लिखता हूँ, रोल डाइस, या चुका है, एंटर करो और सीधा मैं इस फंक्शन पे नेविगेट हो जाऊँगा।
तो इस तरीके से आप अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी सर्च करना चाहते हैं तो सिंपल सा आपको दो बार शिफ्ट को प्रेस करना है तो आपका सर्च एनीवेयर खुल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आप कहीं से भी कहीं पे भी नेविगेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो भी आपको रिलेवेंस लग रहा है कि भाई यार ये चीज मेरे को याद आ रही है तो ये वाला उसका नाम याद है, और सिंपल सा उसको लिखेंगे तो सीधा वो नेविगेट कर देगा। अब बात करते हैं कि कोई भी कोड को मेरे को सर्च करना है कि वो कोड कहाँ लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करना है, सिंपल सा कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाना है। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाऊंगा तो मैं यहाँ पे कोई भी कोड को सर्च कर सकता हूँ पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, फाइंड इन फाइल्स जहाँ पे भी आपको वो कोड मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एरे डाइसिस ले रखा है, तो अब एरे डाइसिस कहाँ है, कितनी जगह यूज आ रहा है, वो सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने एरे डाइस को यहाँ यूज किया है, एरे डाइसिस का मैंने एरे बनाया है, एरे डाइसिस डॉट अप्लाई मैंने उसके ऊपर एक स्कोप फंक्शन लगाया है, तो जैसे ही ये आपको देखने को मिले, आप जैसे ही एंटर करेंगे आप उस पर्टिकुलर लाइन पे, लाइन ऑफ दैट कोड आप नेविगेट कर जाएंगे। तो सिंपल सा आपको कोई कहीं पे भी सर्च करना है अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, आपको सिंपल सा प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो इस तरीके से आप कहीं पे भी नेविगेट कर सकते हैं। अब जब बात हो ही गई है एफ की फाइंड करने की, तो एक और चीज होती है फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे कि कई बार क्या होता है ना कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एरे डाइसेस को यूज किया, अब एरे डाइसेस तीन जगह यूज में आ रहा है, ठीक है, मेरे को क्या करना है, इस एरे डाइसेस को ना चेंज करना है, ये बेटर नाम नहीं लग रहा है मेरे को, मेरे को सिंपल सा इसको ना एरे डाइसेस की जगह सिंपल सा डाइसेस रखना है, ये ARR समझ में नहीं आ रहा। सपोज करते हैं कि मैं इसको नाम को चेंज करना है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे चेंज किया, जितनी जगह मैंने इसको यूज किया वहां सब जगह चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, कंट्रोल आर प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल आर क्या करता है, फाइंड एंड रिप्लेस का काम करता है, कंट्रोल एफ करता है आपका सिंपल सा फाइंड करने का काम। जैसे मैं कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा तो सिंपल सा फाइंड होगा, इसमें ये फाइंड कर सकता हूं कि एरे डाइसेस कहां कहां है, ठीक है, और अगर कंट्रोल आर करता हूं तो अब मैं इन एरे डाइसेस को रिप्लेस कर सकता हूं। रिप्लेस करने के लिए सिंपल सा टैब दबाना है और यहां पे आप कर देंगे डाइसेस। डाइसेस करने के बाद में आप क्या कह रहे हैं कि जहां पे भी एरे डाइसेस मिले उसकी जगह आपको डाइसेस करना है, और यहां पे राइट हैंड साइड में आपको दिखा रहा है कि अभी तीन ऐसी जगह है जहां पे आपको एरे डाइसेस मिला है, और अभी आप किस पे हो, वन पे हो, मतलब पहले वाले पे हो, आप सिंपल सा नीचे वाला एरो दबाएंगे तो सेकंड नंबर का बताएगा कि सेकंड कहां पे यूज में आ रहा है, और फिर नीचे जाओगे तो थर्ड जगह बताएगा कि थर्ड जगह कहां यूज में आ रहा है, ठीक है। अब फिर से आपको ऑल्ट प्रेस करना है, और ऑल्ट के साथ में आप देखो रिप्लेस, रिप्लेस और एक्सक्लूड, ये तीन ऑप्शन यहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो आप जैसे ही ऑल्ट प्रेस करोगे ना तो इनके नीचे वो जो शॉर्टकट की होगी वो आपको मिल जाएगी। जैसे रिप्लेस में पी दिख रहा है आपको, उसके नीचे लाइन आ चुकी है, रिप्लेस ऑल में ए मिल रहा है और एक्सक्लूड में एल मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे को पहले वाले को सपोज करना है, एक्सक्लूड करना है, तो एक्सक्लूड करने के लिए मैं एल दबा दूंगा तो पहले वाला एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। दूसरे वाले को मैंने रिप्लेस करना है तो मेरे को पी दबा देना है, तो पी करते रिप्लेस हो गया। रिप्लेस ऑल करना है तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपल सा ए दबा दूंगा तो सब जगह से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले वाले को हमने क्या कर दिया था, एक्सक्लूड कर दिया था। अब वापस उसको इंक्लूड करना है, ऑल्ट के साथ क्या करना है, एल को प्रेस करना है, तो ये इंक्लूड हो जाएगा, और इंक्लूड होने के बाद में मैं फिर से ए कर सकता हूँ, तो ये सब के सब जो है एक ही साथ में मेरे रिप्लेस हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर शॉर्टकट से आपको अपने कोड के अंदर कोई भी कीवर्ड को, जैसे आपने कोई कीवर्ड लिया है, ऑब्वियसली कीवर्ड को ही आप रिप्लेस करोगे क्योंकि एक चीज ले रखी है और वो बार बार यूज में आ रही, तो वो आपका वेरिएबल ही होगा, फंक्शन का नेम होगा जिसको आप बार बार कॉल कर रहे होंगे, तो उन सारी जगहों पे आप अपने नेम को चेंज करना चाहेंगे एक ही क्लिक के अंदर, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, कंट्रोल आर को प्रेस करना है। और अगर आपको अपने कोड में कोई भी चीज को पर्टिकुलर फाइल के अंदर अगर आपको कोई फाइंड करना है पूरे प्रोजेक्ट में करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एफ, तो पूरे प्रोजेक्ट में सर्च करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपको यहाँ पे कि अगर आपको सिर्फ इस फाइल में सर्च करना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ करते ही आपका फाइल बता देगा कि जीरो रिजल्ट, क्योंकि अब एरे डाइसेस नहीं रहा है, अब क्या हो गया, डाइसेस हो चुका है, तो मैं डाइसेस पे आ चुका हूँ। अब डाइसेस में आपको मिलेंगे तीन, फिर से एरो से आप नेविगेट कर सकते हैं वो कौन कौन से इंस्टेंसेस है जहाँ पे आपके डाइसेस आ रहे हैं, और फिर आप इस तरीके से रिप्लेस, रिप्लेस ऑल और या फिर एक्सक्लूड इंक्लूड का यूज कर सकते हैं यूजिंग दी ऑल्ट की। अब चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर। आप किसी भी क्लास में है, ठीक है, और उस क्लास के अंदर आपने उस पर्टिकुलर क्लास को किसी और से इनहेरिट कर रखा है, ठीक है, जो भी क्लास से इनहेरिट करते हो तो वो क्लास क्या कहलाती है, आपकी सुपर क्लास कहलाती है, और उसके अंदर के जो भी फंक्शंस होते हैं वो आपके सुपर मेथड्स हो जाते हैं, सुपर मेंबर्स हो जाते हैं। तो उन मेथड्स या उन पर्टिकुलर क्लास में जाने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, कंट्रोल यू करना है। कंट्रोल यू स्टैंड्स फॉर सुपर क्लासेस या सुपर मेथड्स। तो मैं अभी ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर था, और उस फंक्शन को अगर मेरे को उस पर्टिकुलर फंक्शन कहाँ डिक्लेयर्ड है सुपर क्लास के अंदर वो देखना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल यू करूँगा तो उसका जो सुपर फंक्शन है या उसका जो सुपर क्लास है उसमें मैं नेविगेट कर जाऊँगा। वापस आते हैं हम इधर, अब हम इस क्लास के अंदर रहते हैं और यहाँ पे मैं कंट्रोल यू करता हूँ तो मैं इस क्लास के अंदर आ गया, ठीक है।
अभी मैं फंक्शन के अंदर था तो उस फंक्शन का जो सुपर फंक्शन है मतलब ऑन क्रिएट हम ओवरराइड कर रहे हैं, यानी कि ये फंक्शन कहाँ डिक्लेयर है, हमारी पैरेंट क्लास के अंदर डिक्लेयर है। तो उस डिक्लेरेशन के अंदर मेरे को अगर जाना है तो एक तरीका तो है कंट्रोल बी के साथ में जा सकता हूँ। जैसे मैं ऑन क्रिएट के अंदर हूँ, इस डिक्लेरेशन में जाना है तो कंट्रोल बी के साथ में जाऊँगा। तो ये मेरे पास में सारे ऑप्शंस आ गए कहाँ का ऑन क्रिएट यूज आ रहा है, ठीक है। उनमें से आप कहीं पे भी जिसमें भी आपको जाना है वहाँ आप क्लिक कर सकते हैं और सीधा उस पर्टिकुलर क्लास में आप नेविगेट कर जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि मेरे को डायरेक्टली ये देखना है कि ये फंक्शन कौन सा ओवरराइड हो रहा है। जैसे ये ऑन क्रिएट है तो ये किस क्लास से है, तो सिंपल सा कंट्रोल यू प्रेस करना है, सीधा मेरे को फ्रेगमेंट एक्टिविटी जहाँ पे एक्चुअल में ऑन क्रिएट फंक्शन डिक्लेयर्ड है, तो ये जो आपका शॉर्टकट है ये सीधा आपको नेविगेट करेगा आपकी सुपर क्लास या सुपर मेंबर के अंदर या मेथड के अंदर। नेक्स्ट शॉर्टकट है आपके कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर, ये जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइडेड होते हैं जावा और कॉटलिन के अंदर, इनको यूज करना है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज करना है और कंस्ट्रक्टर के साथ में मेरे को उनके जो वेरिएबल्स हैं उनको भी डिफाइन करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे खुद से कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर तो आपके क्लास के जस्ट पास में ही होता है और वो हम डेटा क्लास के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, बट अगर बात करें कि हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को यूज करें और चाहते हैं ये तीनों वेरिएबल्स उसमें डिक्लेयर्ड हो, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, ऑल्ट और इंसर्ट को प्रेस करना है। जैसे ही मैं ऑल्ट इंसर्ट को यूज करूंगा तो यहाँ पे ऑटो जनरेट के जो मेथड्स होते हैं, ऑटो जनरेट टेम्पलेट्स बोल सकते हो, जो प्री डिफाइंड आपको एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर जावा के लिए या कॉटलिन के लिए, तो वो सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, इक्वल्स एंड हैश कोड, टू स्ट्रिंग, ये बहुत सारे फंक्शंस जो है वो पहले से टेम्पलेट इनके बने बना है, इनको आप यूज करना चाहते हो ऑटो जनरेशन के थ्रू तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को यूज करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ तो ये जो भी प्राइवेट मेंबर्स हैं तो ये इनको मेरे को सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ शिफ्ट के साथ में, तो शिफ्ट के साथ में तीनों को सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर बनके तैयार है। यही सेम चीज हम जावा में भी कर सकते हैं, तो मैंने एक जावा क्लास बना ली और जावा क्लास के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे वेरिएबल्स हो गए। और अब मेरे को इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाना होता है सो दैट ये सारी वैल्यूज मैं जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तभी इनिशियलाइज हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, फिर से ऑल्ट इंसर्ट टैप करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर आ रहा है, क्योंकि जावा के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कंस्ट्रक्टर का, तो नॉर्मल आपको कंस्ट्रक्टर मिलेगा और यहाँ पे आपको गेटर सेटर भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इन पहले तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं, तो ये बन गया आपका कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं गेटर सेटर की, जो एक और टेम्पलेट प्रोवाइड करता है ऑटो जनरेशन के अंदर आपको जावा। तो फिर से आपको ऑल्ट इंसर्ट टैप करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गेटर करना है केवल, सेटर करना है या फिर गेटर एंड सेटर, एंटर करें तो यहाँ पे तीनों वेरिएबल्स आ जाएंगे जो भी आपने प्राइवेटली डिक्लेयर कर रखे हैं अपने इस क्लास के अंदर। शिफ्ट के साथ में इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके पे टैप कर सकते हैं, तो बूम, एक सेकंड के अंदर ही आपके सारे गेटर सेटर बन चुके हैं सिर्फ एक शॉर्टकट की हेल्प से। अब कुछ बेसिक शॉर्टकट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो डे टू डे लाइफ में आपकी बहुत काम आने वाली, मेरे भी बहुत काम आती है, ये सारी शॉर्टकट्स भी आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत काम आएगी, लेकिन ये जो शॉर्टकट्स मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ ये तो हर मोमेंट में आपको कहीं ना कहीं यूज में आनी, मतलब इनकी जो फ्रिक्वेंसी, इन शॉर्टकट्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो कहीं ज्यादा है बाकी शॉर्टकट से। तो वो कौन कौन सी शॉर्टकट्स हैं तो वो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला तो अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी जैसे कि कोई भी कोड का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा वेल, अब वेल लिखने से सिर्फ मैंने वी लिखा है, अब वी लिखते ही अगर मेरे कोई सजेशन चाहिए ऑटो सजेशन, तो वी के रिगार्डिंग जितने भी सजेशन होंगे वो आपको कैसे मिलेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस। जैसे ही आप कंट्रोल स्पेस करोगे, ये मेरे ख्याल से जितने भी एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं, जो भी एंड्रॉयड कोडर्स हैं हमारे, उन सबको ये पता होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कभी ना कभी इसको यूज़ किया ही होगा और मेरे ख्याल से डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं। तो एक सिंपल सा शॉर्टकट है कंट्रोल स्पेस, जैसे आप कंट्रोल स्पेस करोगे तो उसके रिगार्डिंग जितने भी ऑप्शंस हैं ये आपको मिल जाएंगे, ऑटो सजेशन है, ठीक है, और आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल देना है ए इक्वल्स टू, और जो भी वैल्यू देनी है, जो भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको एक टाइप देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे टीएक्सटी लिया और ये टाइप है, तो कॉलन लिया, आप टाइप देने के लिए कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि कौन से टाइप आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और मैं जैसे टेक्स्ट यू लिख रहा हूँ तो टीएक्सटी लिखा, तो ये मेरे पास सजेशन आया, मैंने एंटर किया और ये बन गया मेरा कोड। तो इसमें मेरे को कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, मेरे को सजेस्ट करता रहेगा कि यहाँ पे क्या आ सकता है, वो ऑप्शंस आपके स्क्रॉल में दिखते रहेंगे लिस्ट के अंदर, आप उस विंडो से पॉपअप विंडो से सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एंटर करके अगर आपको नेविगेट करना है उस लिस्ट के अंदर तो आप अप एरो एंड डाउन एरो के साथ में उन कीज के साथ में भी नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमेंट की, जैसे मेरे को इस लाइन को अगर कमेंट करना है तो कमेंट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब कहेंगे सेलेक्ट क्यों करना है आपको, तो सिंपल सा एक लाइन को ही तो कमेंट करना है, तो कर दिया आपने कमेंट, ठीक है। अब मल्टी लाइन कमेंट हो, जैसे मेरे को इन दोनों लाइन को कमेंट करना है या मेरे को ये पूरा ही जो ब्लॉक है इसको कमेंट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसके आगे हर एक के आगे मेरे को ऐसे ऐसे करके ये एड ऑन करने पड़ेंगे कमेंट्स।
अब इसका एक शॉर्टकट है, जिससे कि आप इनको एक एक को कमेंट करने के बजाय आप मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इस पूरे को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट और फॉरवर्ड स्लैश। जैसे ही आप ये टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पूरा का पूरा ब्लॉक है वो एक साथ ही कमेंट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हैं। और आपको अनकमेंट करना है तो उसको वापस से सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर से कंट्रोल शिफ्ट और फॉरवर्ड स्लैश को दबाना है और ये अनकमेंट हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका होता है कि अगर आपको हर एक के ऊपर, ये तो हुआ आपका फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक और जहां पे आपका एंड हो रहा है कमेंट, वहां पे वापस से एस्ट्रिक और उस फॉरवर्ड स्लैश को लगाना है तो आपका मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। और कमेंट कहाँ यूज में आता है, आई गेस आप सभी को पता होगा, जब भी आपको कोड को डिफाइन करना हो कि भाई यहाँ पे क्या काम हो रहा है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो। कोई ऐसा कोड है जो अभी आपके यूज में नहीं आ रहा है लेकिन हो सकता है कि आगे यूज में आए, तो उसको आपने कमेंट कर दिया, मतलब ये कोड जो आपने कमेंट में ऐड किया है वो कहीं पे भी ना तो कंपाइल होगा ना ही एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी इस फाइल के अंदर जहाँ पे भी आप कोड लिख रहे हैं वहाँ पे वो कोड आपको दिखेगा। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि यार इन सबको ना एक एक करके, जैसे हम कमेंट करते हैं दो फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू, तो वो करना है। तो मेरे को यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश करना है। जैसे ही मैं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश करूंगा तो जिस तरीके से आप करते आते हैं सिंगल लाइन कमेंट, मतलब एक लाइन को कमेंट करने के लिए आप दो फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, तो अब मेरे को मल्टी लाइन कमेंट करना है, लेकिन एक साथ मैं हर एक को कमेंट नहीं करूंगा, मेरे को एक साथ ही उन सबको कमेंट करना है। तो या तो आप कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश लगाएं या फिर आप कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे, तब भी ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसको वापस अनकमेंट कर देते हैं। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर, जो कि बहुत ही काम की है। अगर जब भी आपको रन करना होता है, आपने अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन को कनेक्ट कर रखा है, आपने वर्चुअल डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है, उसमें रन करना चाहते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप उन पर्टिकुलर कमांड को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं जस्ट इन शॉर्टकट को यूज करते हुए। क्या है वो शॉर्टकट, सिंपल सा आपको क्या करना है, अगर आपको बिल्ड करना है, बिल्ड का मतलब क्या होगा, जब आपको अपने प्रोजेक्ट को .apk फाइल में बिल्ड करना होता है तो सिंपल सा आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ में आपको F9 प्रेस करना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल F9 करेंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट को बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। आप जैसे देख सकते हैं ग्रेडल बिल्ड रनिंग, और यही आपको रन करना है तो आपको कुछ नहीं करना, शिफ्ट के साथ में आपको F10 दबाना है तो ये रन हो जाएगा। एक बार ये बिल्ड हो जाए उसके बाद में हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको F10 करेंगे। मैं इसको बंद कर देता हूं क्योंकि इसमें प्रोसेस में टाइम लग जाएगा। अब मेरे को रन करना है, रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट F10। जैसे ही मैं शिफ्ट F10 पे टैप करूंगा तो ये क्या करेगा, जो भी मेरी डिवाइस से कनेक्टेड है उस डिवाइस के ऊपर मेरे प्रोजेक्ट को रन कर देगा। तो ये आप अभी तक करते हैं रन पे क्लिक करके, हैमर टूल पे क्लिक करके, अब इनको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, इनको भूल जाइए। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, इन शॉर्टकट को यूज करना है। इन शॉर्टकट की हेल्प से आपका काम काफी आसान हो जाएगा, आपको माउस को यूज ही नहीं करना पड़ेगा, और जो भी कोड लिखा हाथों हाथ चेक करना है, रन करना है, बिल्ड करना है, डायरेक्टली आप बिल्ड करके देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने रन पे क्लिक किया तो मेरा एमुलेटर पहले ओपन हुआ, एमुलेटर पे ओपन होने के बाद में अब मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे रन हो जाएगा। तो ये थी कुछ आपकी शॉर्टकट्स जो आप डे टू डे लाइफ में अपनी ऐप बिल्ड प्रोसेस के अंदर यूज कर सकते हैं और अपना जो डेली जो टाइम कंज्यूम हो रहा है आपको उसको और कम कर सकते हैं ऐप डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। अब जाने से पहले एक और शॉर्टकट बताना चाहूंगा जो कि एक और बोनस ट्रिक है। मैंने स्टार्टिंग में एक बोनस शॉर्टकट बताया था, एक और बोनस शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं। तो इस बोनस ट्रिक को देखने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो रियली हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में, ताकि जो शॉर्टकट को यूज़ करके आपने अपना टाइम कंज्यूम किया, ऐसे आपके भी जो कलीग्स हैं, कलीग डेवलपर्स हैं, जो आपके टीममेट्स हैं, जो भी एंड्रॉइड स्टूडियो पे वर्क करते हैं, तो उनके साथ शेयर करें, सो दैट वो भी अपना जो टाइम है वो बचा सके और अपनी प्रोग्रामिंग को और कम टाइम में एग्जीक्यूट कर सके इन शॉर्टकट की हेल्प से। तो अब हमारी लास्ट शॉर्टकट पे आते हैं जो कि हमारी बोनस शॉर्टकट है, और उसका क्या यूज़ है, आपका डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ में आने वाला है। तो देखो, जिस भी ब्लॉक के अंदर हम हैं उस ब्लॉक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब कि जो उसका स्कोप रिजोल्यूशन है, यानी कि हम उसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ एंड हो रहा है, वो मेरे को पता करना है कि वो कहाँ है, उसके स्टार्टिंग में जाना है या उसके एंड में जाना है। तो वो मैं कैसे जा सकता हूँ, आपको सिंपल सा कंट्रोल के साथ में ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, जैसे ये ओपन ब्रैकेट है तो ये इस ब्रैकेट पे ओपन हो गया, क्लोज ब्रैकेट पे मैं सीधा इस पे आ गया। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, इसमें आता हूं तो इसमें ओपन ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला, क्लोज ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, बाहर जाता हूं, इसके लिए अब ये किसमें है, एक फर्दर क्लास के अंदर है, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया है यहाँ पे लिसनर क्लास का, इसके अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं कंट्रोल के साथ में ओपन ब्रैकेट को यूज करूंगा तो इस कोड ब्लॉक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आ चुका है, एंडिंग पॉइंट कहाँ है, ये रहा। तो ये कभी भी हम जब क्लोजर लगाते हैं, हम कोई इफ एल्स लगा रहे हैं, उसके अंदर नेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब ब्लॉक्स के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स लगा रहे हैं, और हमको ये देखना है कि यार ये जो ब्लॉक है वो कहाँ एंड हो रहा है या ये जो ब्लॉक है वो कहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ईजी रहता है कि आप उस ब्लॉक पे जाए, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है तो कंट्रोल के साथ में ब्रैकेट ओपन को प्रेस करना है और ये आपका जो कोड का स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब इस पर्टिकुलर कोड ब्लॉक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उस पर नेविगेट कर देगा। तो इससे आप इजीली
पता कर सकते हैं कि आपका ये जो कोड ब्लॉक है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है, और फिर उसी के बेसिस पे आप इसके ऊपर नेस्टिंग कर सकते हैं, नेस्टिंग ब्लॉक्स के अंदर इसको इंसर्ट कर सकते हैं या इसके अंदर फर्दर नेस्टिंग ब्लॉक लगा सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो के अंदर। एंड्रॉइड के रिगार्डिंग और भी जितनी भी नई टिप्स एंड ट्रिक्स होगी वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। तो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे, सी यू।